गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स का ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। लेसन थर्ड का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि घूर्णन, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिभ्रमण। रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। और दिन के दौरान मिड डे के बारे में पढ़े थे हम लोग, और इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिभ्रमण। परि का मतलब होता है गोला, और भ्रमण मतलब होता है घूमना। अर्थात जब पृथ्वी सूरज का पूरा चक्कर लगाती है, उसे हम लोग परिभ्रमण कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी जो है, यह चक्कर 365 दिन 6 घंटे में, यानी कि 1/4 आवर्स में पूरा करती है, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी जो है, जिस स्थान से चलना शुरू करती है और पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस उसी स्थान पर 365 दिन 6 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है। यही जो 6 घंटा होता है, एक एक करके इकट्ठा होता है, और 4 सालों के बाद हर बार फरवरी जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है, अर्थात जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक। तो रिवॉल्यूशन के कारण हम लोग पढ़े थे कि रोटेशन के कारण दिन और रात होती है, लेकिन रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स बदलते हैं, अर्थात मौसमों में बदलाव आता है, ठीक है। और जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है, उसी दौरान दक्षिणी अर्थात साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है, और जब उत्तरी गोलार्ध में अर्थात नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब ठंडे का मौसम होता है, उसी दौरान दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। तो ये अपोजिट होते हैं, चूँकि ये अपने पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर अर्थात धुरी पर 23.5 डिग्री, यानी कि 23/2 डिग्री टिल्ट है, अर्थात झुका हुआ है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इस रिवॉल्यूशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे हम लोग सेलेस्टिक आयांतर और इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ओवरहेड सन। आप जानते हो कि जब सूरज दोपहर के वक्त एकदम ऊपर आ जाता है सर के ऊपर, और उस समय परछाई जो होती है छोटी हो जाती है, उसे हम लोग ओवरहेड सन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें आता है आपका सोलेस्टिक, ठीक है, आयांतर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समर सोलेस्टिक, जिसे गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु का आयांतर कहते हैं, और विंटर सोलेस्टिक होता है, जिसे शीत ऋतु का आयांतर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, ठीक है, समर सोलस्टिक होता है, और वह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक, क्योंकि उस समय पृथ्वी जो सूरज होता है उसके प्रकाश सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है, अर्थात मकर की रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, और समर सोलस्टिक होता है 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। तो जिस समय उत्तरी गोलार्ध में समर सोलस्टिक होता है, उसी दौरान 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सोलस्टिक होता है, अर्थात शीत आयांतर होता है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये होता है आपका साउथन हेमिस्फीयर। तो जब सूरज का प्रकाश इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है 21 जून को, तो यहाँ पर समर सोलस्टिक होता है, यह सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और उस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सोलस्टिक यानी कि जाड़े का दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और जब वापस 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में विंटर सोलस्टिक होता है, यानी कि जो सबसे छोटा दिन होता है, उस दौरान 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में समर सोलस्टिक होता है, यानी कि ग्रीष्म आयांतर होता है, और वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। इस तरीके से ये दो होते हैं, समर सोलस्टिक और ग्रीष्म यानी कि विंटर सोलस्टिक, दो भागों में बटा हुआ है। और देखिए, जिस दौरान समर सोलस्टिक होता है, ठीक है, तो समर सोलस्टिक के दौरान जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को, और वह साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को जो सूर्य का प्रकाश है वो मकर रेखा पर पड़ता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में
विंटर सोलस्टिक सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, गर्मी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सोलस्टिक दो प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम लोग इक्वनेक्स। इक्वनेक्स में देखें तो इक्वा और नेक्स दो शब्दों से मिला हुआ है। इक्वा मतलब होता है बराबर, नेक्स मतलब होता है रात, अर्थात वह रात जिस समय दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो दिन और रात जो होता है साल में दो बार एकदम बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। पहला होता है 22 मार्च को और दूसरा होता है 20 सितंबर को। ठीक है, तो जब सूरज कर्क रेखा पर होता है और जिस दौरान पूरी पृथ्वी जो होती है अर्थात ये 22 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं इक्वल होते हैं, 12-12 घंटे का होता है और अंततः 20 सितंबर को एक बार होता है, ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोलस्टिक और इक्वनेक्स होते हैं और हमारा लेसन भी यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो ना समझ में आया वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉपी पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।